नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान में वंशीलाल के आह्वान पर परिवर्तन रैली को शिवपाल यादव ने संबोधित किया। वहां पर हजारों की भीड़ देखकर शिवपाल यादव बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वंशीलाल यादव को बधाई दी। साथ ही शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी अपराधों को रोकने में ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। देखिए डेली डायरी न्यूज की रिपोर्ट। बाप तो जरूर होना चाहिए और इसका भी कोई ना कोई बाप जरूर होगा। इतने में नरेंद्र मोदी मथुरा गए और मथुरा जाकर भाषण किया, यहां तो गंगा नहीं है, यहां जमुना, तो जमुना भी मेरी माँ। लोगों ने कहा चार ठो माँ, चार चार माँ। अरे एक ठो बाप तो होना चाहिए भाई, केवल माँ, माँ और माँ की ही बात कर रहे हो। अरे भाई बाप की भी तो बात करो। कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, साल हो गया। साल पूरा होने के बाद दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने मीटिंग बुलाई और नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रिमंडल को आदेश दिया आरएसएस के मीटिंग में जाना हो, और वहां जो आरएसएस के लोग हैं वो आपको सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को कही, सारा मंत्रिमंडल गया। और जब इसकी खबर हमें पता चली तो हमने कहा कि ये आदमी मां की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि लोगों को मां की बात करते करते ये पता नहीं चल रहा था कौन बाप है। मगर जब आरएसएस की मीटिंग हुई, आरएसएस के मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने सारे कैबिनेट मिनिस्टरों को सवाल का जवाब देने के लिए कहा, तब लोगों को मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। कि आरएसएस का सरसंघ चालक मोहन भागवत है, तो भागवत के सामने शरणागत हो गए नरेंद्र मोदी। तो पता चला दुनिया वालों को कि नरेंद्र मोदी का बाप मोहन भागवत। हम केवल व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको संविधान का हवाला देकर कहना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत नुक्ता चुनी की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान में लिखा है देश का प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा। बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय रैली में क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में बहुजनों की क्रांति और बहुजनों को जगाने का काम करने वाले, पिछले 40 साल से जिन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ करके बहुजनों के लिए पूरे देश में घूम करके दुनिया के कई देशों में अपना संगठन वाम सेव को खड़ा करके पूरे देश में लगातार आज छह प्रदेशों में इस तरह से रैलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सरजमी पर फैजाबाद में मंडलीय रैली हो रही है, इसके अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, और उत्तर प्रदेश में इस समय जिनका तहलका है फैजाबाद की सरजमी पर आचार्य नरेंद्र लोहिया की सरजमी, ये सब अस्थाकुल्ला खां की शहादत की धरती अवध की धरती पर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले माननीय शिवपाल सिंह यादव का अवध की सरजमी पर ऐतिहासिक गुलाबबाड़ी के मैदान में हार्दिक अभिनंदन बंदर और स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित पूर्व गवार जो हमारे क्षेत्र के पूर्व गवार के उमड़े हुए जन सैलाब माताओं, बहनों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, झुग्गी झोपड़ियों से आए हुए आप सभी नौजवानों का हार्दिक बंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में, आज सूरज कुंड का मेला भी है, लेकिन उन सारे चीजों को और इतना बड़ा आज यहाँ पर जो हुजूम जन सैलाब हुआ है, हम आए हुए सभी साथियों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। किसी को मुस्लिम के नाम पर जलाया जाता है, किसी को मुस्लिम के नाम पर मारा जाता है, किसी को दलित के नाम पर मारा जाता है, किसी को पिछड़े के नाम पर मारा जाता है। आज किस तरीके से देश में भय का माहौल व्याप्त है,
आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। पूरे देश की जो 85% आवाम है, जो अमन पसंद आवाम है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम मेहनत से, ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाएं, उनका आज कहीं ना कहीं तो निराश हताश लोग हैं। हमारे पिछड़े समाज के लोगों पर, मुसलमानों पर, हमारे जो SC ST के लोग हैं, किस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। और तब हमारे नेताओं ने मन बनाया है कि जो बहुजन समाज की जो ताकत है, जिनको बामन में राम साहब ने एक कैडर के तहत तैयार किया है, जिन्होंने विचारों की एक ताकत से जो यहाँ जनता बैठी हुई है, जो विचारशील साथी है, उनको इकट्ठा करके जन सैलाब, माननीय शिवपाल यादव जी की जो ताकत है, जो किसानों गरीबों की जो ताकत है, जिन्होंने ईमानदारी के लिए संघर्ष किया है, आज पूरे प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं लगातार उनसे गरीब मिलने का काम करते हैं। उनका नारा है कि जो उपेक्षित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, हमारे साथ आइए, हम आपको प्यार देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, हम आपकी तरफ से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी आने वाले समय में सड़कों पर भी उतरने का काम होगा। अभी हम लोगों के साथ जब बैठक हुई थी तो माननीय शिवपाल जी ने कहा था कि अभी तो हम लोग संगठन का ऐलान किए हैं, आने वाले समय पर जब सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन की चूल्हे हिल जाएंगे, क्योंकि जो जनता ऐलान मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे कबेटा किसान कला, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जो जनसैया उभरेगा, जिस तरह से इस देश का नौजवान परेशान है, जिस तरीके से इस देश का 85% लोग परेशान है, जब सड़कों पर उतरेंगे उसी दिन से हालत खराब हो जाएगी। माननीय शिवपाल जी ने अभी यहाँ पर पुल दिया था जब सरकार थी, अयोध्या में बहुत सारा इन्होंने सरकारी पैसा दिया, बहुत सारा विकास किया। इनको शायद नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर पुल इन्होंने दिया, पुल 15-15 मीटर दोनों तरफ छोटा हो गया और हवेली यहाँ के सुदामा की बन गई, करोड़ों रुपए की हवेली सुदामा की बन गई। जो इनको जो अर्काधीर कहते थे, अपने आप को सुदामा कहते थे, उनकी करोड़ों की हवेली खड़ी हो गई। ये अमीरों की जो कोठी लहरा रही है और बहारों की मस्ती में इतरा रही है, जरा उनके गमले के फूलों को सुनो तो गरीबों के खूनों की बूर आ गई। जिस तरह से सुदामा बन करके हैदराबाद की सरजमी को कुछ लोगों ने लूटा है, आज शिवपाल जी के लिए वो कुल्हाड़ी लेकर के खड़े हुए हैं। हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा में जो साथी आ रहे थे, गांव गांव जाके उनको रोकने का काम किया है। इतनी नीच हरकत की है कि मैं इस मंच से नहीं बता सकता, मगर मैं उनको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे रुकने से कोई रुकने वाला नहीं है, तुम्हारा दिन खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा जनता ने असली चेहरा देख लिया है। आने वाले समय में उनको ये जनता जनार्दन, ये माताएं बहनें गरीब मजदूर, ये कभी तुमको जिंदगी में मौका नहीं देंगे, फिर तुम्हें लूटने का मौका नहीं देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय शिवपाल यादव जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के सूक्ष्म कहने पर बहुत कम समय में 3 दिन का समय हम लोगों का मिला था, हम लोगों ने निवेदन किया, आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इन गरीबों के बीच में आकर के, हमारे संघर्षशील लोगों के बीच में आकर के इनका हौसला अफजाई करने का काम किया है। आपकी जब भी जरूरत होगी, हम लोग तन मन धन से हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का काम ये गरीब जनता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आदरणीय वामन नेताम साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा कारवां खड़ा किया है, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साकेत महाविद्यालय अयोध्या। साथियों, अभी एक निवेदन मेरे पास आया, माननीय कमाल यूसुफ साहब पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आप आए और कम समय में अपनी बात को रखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है और वक्त ज्यादा है, तो आप बहुत ही कम समय में कमाल यूसुफ साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आप आए अपनी बात को रखें।